तो दोस्तों ये खबर तो अब लगभग सबको पता चल ही चुकी है कि जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। पहले बुमराह के होने पर कोई कंफर्म न्यूज नहीं थी, लेकिन पिछले हफ्ते की शुरुआत में बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने स्ट्रेस फ्रैक्चर के चलते बुमराह के अगले कुछ महीनों के लिए क्रिकेट से दूर होने की बात कन्फर्म की है। क्योंकि अब तक बुमराह की रिप्लेसमेंट कन्फर्म नहीं हुई है, इसलिए जब से बुमराह के इंजर्ड होने की खबर पब्लिक हुई है तब से क्रिकेट गलियारों से लेकर चाय की टपरी तक बस बुमराह की चोट का जिक्र चल रहा है। क्योंकि हर इंडियन पिछले वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला चाहता था और बुमराह के बिना ये बदला कितना मुश्किल है हमने एशिया कप में देख लिया है। इसलिए फैंस बुमराह से बहुत ज्यादा खफा हैं और सवाल कर रहे हैं कि इंडिया के लिए चंद मैच खेलने वाले बुमराह आईपीएल में कैसे फिट हो जाते हैं और पहले के मशहूर खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट से पहले फिट कैसे रहते थे। फैंस के इन सवालों पर ही एक बात दिमाग में और आती है कि बुमराह के इंजर्ड होने की जिम्मेदारी किसकी है, बुमराह या BCCI की। तो चलिए बुमराह की चोट से जुड़ी सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में। मगर पहले बुमराह के चोटिल होने की वजह को करीब से जानते हैं। दोस्तों पेस बॉलर्स नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं साइड ऑन एक्शन वाले बॉलर, जिनकी चेस्ट बॉल फेंकते वक्त नॉन स्ट्राइकर की तरफ होती है, जैसे जेम्स एंडरसन, कपिल देव, शॉन टेट, शुएब अख्तर, मिचेल जॉनसन सरीके बड़े प्लेयर्स की होती थी। दूसरे होते हैं फ्रंट ऑन एक्शन वाले बॉलर, जिनकी चेस्ट बॉल रिलीज करते वक्त स्ट्राइकिंग एंड के विकेट की तरफ होती है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल शेन बॉन्ड, डेलस टेन, कर्टली एम्ब्रोज, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज हैं। वैसे तो पेस बॉलिंग में बॉडी की पावर और मूवमेंट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पेस बॉलर्स के ही चोटिल होने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ भी जाते हैं। मगर इन दोनों बॉलिंग स्टाइल में फ्रंट ऑन एक्शन वाले बॉलर्स को इंजर्ड होने का रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि बॉल फेंकते वक्त उनकी बैक यानी कमर पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है और ऐसे में बैक इंजरी की आसार सबसे ज्यादा रहते हैं, जो कि हमने बुमराह के केस में होते हुए देखा भी है। वैसे बुमराह के इंजर्ड होने के रिस्क पर बहुत से एक्सपर्ट्स ने पहले ही राय दी थी, लेकिन आजकल करीब दो साल पहले वाला शुएब अख्तर का इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इंजरी से बचने के लिए बुमराह को वर्कलोड मैनेज करने और अपनी बॉडी को ध्यान रखने के लिए कहा था। अख्तर के इस वायरल क्लिप के बाद करीब हर फैन ने यह सवाल किया था कि चेतावनी मिलने के बाद भी बुमराह की इस चोट का जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों इस सवाल का सीधा सा जवाब है, बुमराह इंसान है, रोबोट नहीं। मेहनत करेंगे, दम लगाएंगे तो चोट लग सकती है, इसमें बुमराह या मैनेजमेंट की गलती निकालना सही बात नहीं। अब आपको लगेगा कि ये सबसे सही जवाब है और बुमराह की चोट पर हंगामा करना फिजूल है, मगर यही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट जो बुमराह के आईपीएल आंकड़ों के बाद आता है। आसान लफ्जों में कहें तो बुमराह की इंजरी स्टोरी इतनी भी सिंपल नहीं है। दोस्तों बात दरअसल ये है कि बुमराह का हाई आर्म यूनिक एक्शन कितना इंजरी ओरिएंटेड है, ये सबको पहले दिन से ही पता था, इसलिए बुमराह को वक्त वक्त पर इंडियन टीम से आराम भी दिया गया है। यही वजह है कि भारत का बेस्ट बॉलर होने के बावजूद 2016 में डेब्यू करने से लेकर अब तक बुमराह ने 30 टेस्ट, 70 वनडे और 57 T20 मैच समेत कुल 157 इंटरनेशनल मैच ही खेले हैं। इस दौरान उनको छोटी मोटी इंजरी के बाद मिले आराम को हटा भी दें, तभी पता चलता है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट ने उनके वर्कलोड का ध्यान ठीक ठाक रखा है। लेकिन जब बात आईपीएल की आती है तो पता चलता है कि बुमराह ने 2016 से लेकर अब तक हुए हर आईपीएल में एक मैच भी मिस नहीं किया है। उन्होंने इस दौरान 103 आईपीएल मैच खेले हैं। इन 103 मैचों को थोड़ी बारीकी से जांचे तो पता चलेगा कि बुमराह ने यह सब मैच सिर्फ 14 हफ्तों के अंदर खेले हैं, क्योंकि हर आईपीएल की विंडो लगभग 2 महीने की होती है। अब यहाँ आईपीएल या मुंबई इंडियंस के फैंस ये सवाल खड़े कर सकते हैं कि उन मैचों में बुमराह ने फेंके भी तो सिर्फ 4 ओवर ही। तो इस सवाल का जवाब है कि प्लेयर्स ने खुद माना है कि आईपीएल के 4 ओवर वनडे के 10 ओवर से ज्यादा थकाने वाले होते हैं। इसके अलावा आईपीएल के दौरान भारत में मौसम भी सबसे ज्यादा गर्मी और उमस वाला रहता है, जबकि कोई आईपीएल मैचों के बीच में हुए ट्रेवल को तो काउंट भी नहीं करता है। सीधे सीधे कहें तो जिस दौरान बुमराह को अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, उस दौरान ही वो सबसे ज्यादा थकाने वाली मेहनत से गुजरे, जिसका नतीजा ये है कि जब इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब वो अवेलेबल ही नहीं है। खैर अब जो भी हो, हम दुआ करेंगे कि बुमराह जल्द से जल्द फिट होकर लौटें और फिर से फैंस को झूमने के लिए मजबूर करें। मगर यकीन मानिए, बतौर क्रिकेट फैंस हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहे हैं कि अब दिल बहुत ज्यादा दुखने वाला है अगर बुमराह वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट मिस करने के बाद अगले साल मुंबई के लिए पूरे मैच खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम तो क्रिकेट फैन हैं जिन्होंने कुंबले को टूटे हुए जबड़े के साथ खेलते हुए देखा है, द्रविड़ को कोलकाता में दवाई खाकर इतिहास रचते देखा है, लक्ष्मण को पीठ दर्द के बावजूद 2010 मोहाली टेस्ट में एक विकेट की जीत दिलाते देखा है। इसलिए हमारे सामने इंडिया की जीत के आगे किसी फ्रेंचाइज टीम की कामयाबी कोई मायने नहीं रखती है।
हम बस चाहते हैं कि अपने स्टार प्लेयर्स को जी जान से लड़ते हुए देखें, क्योंकि फैंस टीम की जीत पर जितना खुश होते हैं उससे ज्यादा इंजर्ड प्लेयर की गैर मौजूदगी पर दुखी भी होते हैं। इस उम्मीद के साथ कि इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप में बिना बुमराह के भी इतिहास रचकर लौटे, हम अपनी बात को यही रोकते हैं, मगर जल्द मिलेंगे एक और क्रिस्पी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सजेशंस भी दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।